हेलो एवरीवन, दिस इज मान मोहन तिवारी एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल फिनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। हर एक दिन म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। वाकई में आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक और शेयर करना ना भूलो। आज जो मैं बात करूंगा, एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा और कुछ एक दो टिप्स दूंगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आज मैं एक ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करूंगा जो हमेशा अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, हमेशा अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट किया है। अगर उसके SIP के रिटर्न को देखा जाए, उसमें भी काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और रैंक विद इन कैटेगरी भी देखें तो वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। मैंने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जब भी बात किया है तो एक दो म्यूचुअल फंड को हमेशा आगे लेके आया हूँ। एक्सिस ब्लूचिप फंड, कैनरा रैपको ब्लूचिप फंड। आज मैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो लार्ज कैप कैटेगरी से और वाकई में इन दोनों म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा कंपटीटर है। एग्जैक्टली, मैं किस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ? मैं मिराए एसेट लार्ज कैप फंड की बात कर रहा हूँ। जानेंगे इस म्यूचुअल फंड का हम लमसम और SIP रिटर्न, बेसिक डिटेल के साथ हम ये भी जानेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का फंड परफॉर्मेंस कैसा है। लास्ट में मैं एक दो टिप्स दूंगा इन्वेस्टर के लिए। तो चलिए, सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड का हम बेसिक डिटेल से शुरुआत करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का अगर हम एक्सपेंसेस रेशियो देखें तो 0.56% है। अगर एक एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंसेस रेशियो है तो ये काफी कम है, सही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो AUM आप देख सकते हो 21,746 करोड़ का AUM है, काफी बड़ा AUM है। कई इन्वेस्टर ये मानते हैं कि ज्यादा बड़ा AUM होने के चलते बाद में रिटर्न कम हो जाता है। देखो, मैंने कई बार वीडियो बनाया है आपको कि लार्ज कैप, स्पेशली लार्ज कैप ब्लू चिप फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड में अगर AUM बढ़ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज कैप और ब्लू चिप फंड में जितना AUM बढ़ेगा फंड मैनेजर के लिए उतना अच्छा है। मैंने वीडियो में कई बार आपको बताया कि ये स्मॉल कैप में पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ज़्यादा AUM के चलते गिरावट हो रिटर्न में, मिड कैप में हो सकता है, लेकिन लार्ज कैप में ऐसा नहीं देखा गया है, तो आप इस पॉइंट को इग्नोर करो। चलो, अगर हम लॉक इन पीरियड देखें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है। वहीं पे अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 100 TRI है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हो, लमसम आप 5000 से यहाँ पे कर सकते हो। बेसिक डिटेल आपने देख लिया। अब इस म्यूचुअल फंड का मैं आपको फंड परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। इस म्यूचुअल फंड का अगर हम रिटर्न परफॉर्मेंस देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। इट मीन्स कि इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रहा है। वहीं पे अगर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अबव एवरेज है। देखो, मैं हमेशा इन्वेस्टर को क्यों दिखाता हूँ कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैसा है म्यूचुअल फंड का? डाउनसाइड प्रोटेक्शन से हमें ये पता चलता है कि जब बहुत बुरा हो मार्केट का, जब बहुत गिरावट हो म्यूचुअल फंड्स में, तो उस समय आपका म्यूचुअल फंड कितना कम नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। जितना कम नेगेटिव रिटर्न देगा वाकई आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न कम दिखेगा। आगे अगर बात करें तो फंड कंसिस्टेंसी इन जनरेटिंग रिटर्न्स में भी ये भी एवरेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फंड सेविलिटी टू प्रोटेक्ट लॉसेस में यहाँ एवरेज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फंड एनालिसिस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। चलिए, अब हम रिटर्न पे आते हैं। जो इन्वेस्टर हमेशा फोकस करते हैं कि रिटर्न कैसा है इस म्यूचुअल फंड का, तो रिटर्न पे आते हैं। आपके सामने लमसम रिटर्न है। लमसम रिटर्न की बात करें तो एक साल का रिटर्न 27% है, दो साल का ये 21-22% है, तीन साल का रिटर्न 14-15% है, पाँच साल का 20-21%, और सिंस इंसेप्शन ऑन द एवरेज 18% का ये एनुअलाइज रिटर्न मैंने आपको बताया है। आपने यहाँ पे लमसम रिटर्न देख लिया। अब देखो कैटेगरी एवरेज में कितना रिटर्न है। एक साल में कैटेगरी एवरेज में 24-25% का रिटर्न है। इस म्यूचुअल फंड ने 27-28% का रिटर्न दिया है। दो साल में कैटेगरी एवरेज में 20-21% का रिटर्न है। इस म्यूचुअल फंड ने 21-22% का रिटर्न दिया है। तीन साल में कैटेगरी एवरेज में 12-13% का रिटर्न है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने 14-15% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में पाँच साल में 16-17% का रिटर्न, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 20-21% का रिटर्न दिया है। सिंस इंसेप्शन के डाटा को देखें तो कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 15-16% का रिटर्न है। इस म्यूचुअल फंड 18-19% का रिटर्न दिया है, बीट ही नहीं किया, उससे कहीं अच्छा यहाँ पे रिटर्न के मामले में हमें दिख रहा है। रैंक विद इन कैटेगरी भी आप देख सकते हो, एक साल में 6 नंबर पे आउट ऑफ 29, दो साल में 11 नंबर पे है 28, तीन साल में आप देख सकते हो 6 नंबर पे है आउट ऑफ 28, पाँच साल में यहाँ पे 3 नंबर पे आउट ऑफ 27, और सिंस इंसेप्शन ये अपने रैंकिंग को जो मेंटेन कर रहा है वो 4th है आउट ऑफ 31। मैं देखो हमेशा दो तीन पॉइंट कंसीडर करता हूँ कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न
अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं, कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है कि नहीं, रैंक विद इन कैटेगरी कैसा है। ये दो तीन पॉइंट को अगर आप कवर कर लोगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन में इस पॉइंट के बेसिस पे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। इस म्यूचुअल फंड का आपने लमसम रिटर्न देख लिया, SIP रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 74-75% रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। दो साल के डाटा को देखें तो 35-36% का एनुलाइज रिटर्न देखने को मिल रहा है। तीन साल में 22-23% का एनुलाइज रिटर्न है और पाँच साल में 18-19% का एनुलाइज रिटर्न देखने को मिल रहा है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो SIP में भी हमें स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। लमसम रिटर्न देख लिया, SIP रिटर्न देख लिया कि मैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हो मिराए एसेट लार्ज के फंड को, तो एग्जैक्टली आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई वैसा फंड तो नहीं है जिससे पोर्टफोलियो में कोई ओवरलैप हो। इट मींस कि आपके पास लार्ज एंड मीड के फंड कोई ना, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है भी तो आप पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर लें। कोई ब्लूचिप ऑलरेडी फंड हो तो आपको इस फंड को जगह नहीं देना चाहिए। कोई लार्ज के फंड ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मीड कैप है तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करें। वहीं पर अगर कोई इंडेक्स फंड है तो भी मैं राय नहीं दूंगा कि हाँ आप इस म्यूचुअल फंड को जगह दो। अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा हाई रिस्की वाले म्यूचुअल फंड है लाइक स्मॉल कैप मीड कैप, और आप चाहते हो कि कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जो थोड़ा सा कम रिस्क हो और रिटर्न आपको अच्छा मिले, तो इस म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। एक टिप्स इन्वेस्टर को मैं ये भी देना चाहता हूं कि देखो जो भी इन्वेस्टर यहां पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं हमेशा डायरेक्ट प्लान को सिलेक्ट करें। डायरेक्ट प्लान में और रेगुलर प्लान में मैंने कई बार आपको डिफरेंस बताया है। डायरेक्ट प्लान में आपको हमेशा ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, अगर 1-1.5% का रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखो एक महीने दो महीने एक दो साल तीन साल पाँच साल में कुछ 1% का ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लंबी अवधि की बात करें, अगर आप चाहते हो यहाँ पे 20-25 साल का आपका गोल है, तो लंबी अवधि में ये 1-1.5% काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट दिखता है। तो इसीलिए हमेशा मैं इन्वेस्टर को राय देता हूँ डायरेक्ट प्लान का सिलेक्शन करें। रेगुलर प्लान में आपको यहाँ पे कुछ परसेंट यहाँ पे आपको कमीशन एजेंट को देना पड़ता है। इट एक्सपेंसेस रेशियो ज़्यादा होता है, और अगर आपका खर्चा ज़्यादा होगा पैसा कम इन्वेस्ट होगा तो रिटर्न भी कम मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट प्लान में आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस कम होता है, खर्चा कम होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलने का चांस होता है। कुल मिला के मिराए एसेट लार्ज के फंड एक अच्छा फंड है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।